हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स फर्स्ट स्टेज ऑफ फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो आज हमारे साथ है कनिष्ठ सिंघल जो हम लोगों को फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं कनिष्ठ को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। कनिष्ठ सिंघल इस साल जेई एडवांस 2019 में AIR 237 लेके आए हैं जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है और आने वाले टाइम में ये IIT दिल्ली से MNC में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड इन्होंने 11th और 12th क्लास दोनों के अंदर क्लियर किया है। 12th क्लास के अंदर जनरली जेई एडवांस के साथ साथ हो जाता है, मगर 11th क्लास के अंदर NSEP क्लियर करना, वो भी राजस्थान स्टेट से, बहुत कमेंडेबल जॉब है। सो सबसे पहले मैं कनिष्ठ को मेरी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा उनकी सक्सेस से रिलेटेड। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा कनिष्ठ की तरफ लेके चलते हैं जो आपको इस एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताएंगे। हेलो व्यूअर्स, आई एम कनिष्ठ। सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेंस और एडवांस के रिलेटिव अगर NSEP को कंपेयर करें तो कैसा पेपर आता है। तो एडवांस के लेवल तो बिल्कुल नहीं होता है NSEP का पेपर, इट्स लाइक मोर लाइक मेंस लेवल। सो आपको मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एडवांस जैसा नहीं होता है पेपर, काफ़ी आसान होता है, बस ज़रूर थोड़ा लेंदी होता है तो आपको टाइम में फिनिश करना है उसे। तो अब मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस होते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल 240 मार्क्स का होता है और ये 8:30 to 10:30 में कंडक्ट किया जाता है, मतलब 2 घंटे का होता है पेपर। तो 60 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ 6 मार्क्स, टोटल इज 240। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? तो मोस्टली आजकल 10th और 11th में भी लोग बहुत क्लियर करना चाहते हैं फिजिक्स ओलंपियाड। तो 12th वालों के लिए तो इट्स नॉट ए इशू बिकॉज आपका JEE का सिलेबस हो ही चुका होता है, क्योंकि मेंस आजकल जनवरी में होता है तो उनके लिए फिजिक्स पूरा हो चुका होता है। तो NSEP इज क्वाइट वेरी इजी टफ स्टफ फॉर देम। एंड 11th क्लास में आपको 12th पूरा करने की जरूरत नहीं है, बट येस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर करने चाहिए लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड कैपेसिटेंस। और 10th वालों को भी मतलब 11th तो करना पड़ेगा, मतलब पूरा जरूरत नहीं है, उसमें भी मैकेनिक्स जरूर पूरा करना पड़ेगा और 12th में सेम टॉपिक्स जो मैंने 11th वालों के लिए बोले। तो ये सब मतलब आपको कंप्लीट होना चाहिए अगर आपको फिजिक्स ओलंपियाड थोड़े से मार्क्स से क्लियर, गुड मार्क्स से क्लियर करना है। तो मतलब जरूर फुल मार्क्स तो लाना जरूरी है भी नहीं, कट ऑफ पार करना है तो वो आराम से हो जाएगा इन टॉपिक से। सो अब कट ऑफ की बात की है तो जिन स्टेट्स में अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली साइड एरिया, तो इनमें कट ऑफ MI जाता है, जो कि प्रशांत सिंह ने आपको पहले वीडियोज़ में बताया है MI क्या होता है। एंड बाकी स्टेट्स लाइक UP, बिहार एटसेट्रा, इनमें कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता है, मोस्टली MA से थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तो इनमें थोड़ा ईजी होता है एक तरह से क्लियर करना। सो अगर हम सिलेबस की बात करें तो एडवांस से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस होता है, जो मेंस का सिलेबस होता है एक्जैक्टली वही सिलेबस NSEP का होता है। एडवांस से ज़्यादा जैसे लाइक सेमीकंडक्टर्स एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस में नहीं होते लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सब उसमें आते हैं NSEP में, जो कि मेंस में भी आते हैं। तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हो ही जाएगा। और सेकंड स्टेज में मतलब लोग रिलेटिविटी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, पर रिलेटिविटी पूछी नहीं जाती है, 90s में पूछी जाती थी वो, जो कि अब बंद कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस अब सेकंड स्टेज का सिलेबस होता है एडवांस वाला, अब मेंस के सारे टॉपिक हट चुके होते हैं, सिर्फ एडवांस वाला सिलेबस रह जाता है। मॉडर्न फिजिक्स भी जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक NSEP के लिए। और थर्ड स्टेज में जरूर आपके लिए रिलेटिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी वहाँ पे, मतलब एडवांस टॉपिक्स बढ़ जाते हैं वहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह सारे टॉपिक्स आने लग जाते हैं थर्ड स्टेज में। तो पर सेकंड स्टेज तो पूरा एडवांस वाला होता है, क्वेश्चन जरूर थोड़े टफ होते हैं पर एडवांस वाला होता है, टॉपिक का सिलेबस पूरा एडवांस वाला होगा। तो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें 11th और 12th के, तो 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक रिजिड बॉडी डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, थर्मोडायनामिक्स ऑब्वियसली एंड वर्क पावर एनर्जी। एंड 12th की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टेट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड करंट टू। स्टेज वन में तो मोस्टली मेंस एडवांस का ही होता है, तो वो तो आप मेंस एडवांस की तैयारी के लिए जो भी बुक्स होती हैं वो देख ले, लाइक HC वर्मा ले सकते हैं, तो ये सब मतलब इनसे आपका NSEP तो आराम से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन टफ होते ही नहीं है। और अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा, लाइक हीरोडोफ देख सकते हैं, डेविड मॉरिन के कुछ चैप्टर्स हैं, पूरा देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, डेविड मॉरिन देख सकते हैं। और SS तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती, रिडोव इज लाइक अ मस्ट बुक फॉर सेकंड स्टेज, मतलब उसमें आप सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन उसके करेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज की तैयारी हो जाएगी। और पास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक आप INPHO के 2005 से लेकर अभी तक पेपर्स करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा सेकंड स्टेज के लिए। एंड NSEP के लिए भी पास्ट ईयर पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे आपकी स्पीड बहुत डेवलप होगी और पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे कनिष्ठ ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं रिलेटेड टू सिलेबस, रेफरेंस रीडिंग। मैंने कनिष्ठ से इसलिए
रिक्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने करंट पैटर्न दिया है। फिजिक्स ओलंपियाड मैंने 2007 में क्लियर किया था स्टेज वन, और मेरे टाइम पे भी जैसा इन्होंने बताया कि जेई एडवांस की अगर तैयारी हम लोग अच्छे से करें, क्योंकि मैंने क्लास 12th में क्लियर किया था, तो उससे काफ़ी कुछ हद तक हो जाता है। सो बेसिकली जो हम लोग को इसमें की टेक अवेज हैं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कनिष ने बताया उन चैप्टर्स को भी कवर करके आप एनएसईपी क्लियर कर सकते हैं। स्टेज टू तक पहुंचना रिलेटिवली आसान है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं कनिष ने और जो बुक्स बताई हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कनिष से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो आप जो भी कमेंट्स करेंगे एनएसईपी से रिलेटेड उनके वो रिवर्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे फिजिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं एंड कनिष वुड बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल और हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ आप इसको अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें जो फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आगे देने का प्लान कर रहे हैं। धन्यवाद।